आज देश में मनाई जा रही है संत रविदास की जयंती। दिल्ली के करोल बाग स्थित रविदास मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। गुरु रविदास की प्रतिमा के आगे पीएम ने की पूजा, जन जन के कल्याण के लिए पूजा अर्चना की। मंदिर की तरफ से पीएम मोदी की भेंट की गई संत रविदास की प्रतिमा। पीएम ने मंदिर के विजिटर बुक में लिखा संदेश। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रविदास जयंती के अवसर पर वाराणसी के रविदास मंदिर में दर्शन किए। संत रविदास जयंती पर वाराणसी के रविदास मंदिर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रदेश के लोगों की जयंती की दी शुभकामना। मन चंगा तो कठौती में गंगा, प्रत्येक भारतीय को एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश प्रदान करता है। सभी श्रद्धालु भक्तों को सद्गुरु के इस पावन जयंती के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामना। वाराणसी के रविदास मंदिर में पूजा के बाद योगी आदित्यनाथ ने खाया लंगर। भक्ति के आंदोलन के प्रमुख संत थे गुरु रविदास। दार्शनिक, संत और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं संत रविदास। पंजाब और यूपी के दलित वोटरों को लुभाने में जुटे राजनीतिक दल। आज संत रविदास जयंती पर वाराणसी में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज जालंधर में रविदास मंदिर में दर्शन करेंगे। मोहाली में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जालंधर में रोड शो भी करेंगे। दिल्ली में संत रविदास जयंती के मौके पर आज छुट्टी का ऐलान। सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। आज है दिल्ली पुलिस का 75वां स्थापना दिवस। समारोह दिल्ली में, गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल। नहीं रहे बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकारों गायक बप्पी लाहिड़ी। बीती रात 11 बजे जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में हुआ निधन। कल मुंबई में होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और संगीतकार एआर रहमान समेत बॉलीवुड के दिग्गजों ने ट्वीट कर दी बप्पी दा को श्रद्धांजलि। हिंदी सिनेमा में डिस्को किंग के नाम से जाने जाते थे बप्पी लाहिड़ी। बॉलीवुड में पॉप म्यूजिक लाने का श्रेय बप्पी दा को ही जाता है। पीएम मोदी का आज का यूपी और पंजाब में चुनाव प्रचार। दोपहर 12 बजे पठानकोट तो शाम करीब 4 बजे यूपी की सीतापुर में रैली करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज भी धुआंधार प्रचार। वाराणसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर और झांसी में करेंगे रैलियां। यूपी के प्रचार में उतरेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज कानपुर और लखनऊ में 3 जनसभाएं करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज कानपुर में चुनाव प्रचार। सीसामऊ और आर्यनगर में घर घर जाकर मांगेंगी वोट, तो गोविंदनगर में महिला शक्ति संवाद में होंगी शामिल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज औरैया, कानपुर देहात, कन्नौज और फरुखाबाद में प्रचार। पार्टी कार्यक्रम को देंगे जीत का मंत्र। यूपी के प्रचार में आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी लगाएंगी जोर। लखनऊ में चुनावी जनसभा को करेंगी संबोधित। मिशन पंजाब पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और भटिंडा में करेंगे जनसभाएं। कर्नाटक में हिजाब विवाद के चलते बंद प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज आज से खुलेंगे। दोपहर 2:30 बजे हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
राजस्थान आरएएस प्री परीक्षा पर आज आ सकता है हाईकोर्ट का फैसला। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने छात्रों को न्याय देने की मांग की। सवालों पर छात्रों ने आपत्ति जताकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। नहीं खत्म हो रहा हिजाब मामले पर विवाद। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हिजाब में कॉलेज जाने से रोके जाने पर छात्राओं ने कहा हमारे धर्म में हिजाब पहनना जरूरी। कर्नाटक के विजयपुरा में कॉलेज प्रशासन ने हिजाब पहनी छात्राओं को अंदर जाने से रोका। छात्राओं ने कॉलेज गेट पर किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के चिकमंगलूर और तुमकुर में छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोकने पर अभिभावकों का बवाल। तुमकुर जिले में धारा 144 लागू। गुरुग्राम में हिजाब बुरका पहने विदेशी महिला पर चाकू से अटैक करने का आरोप। ऑटो ड्राइवर ने लगाए हैं आरोप। पुलिस से भी महिला की झड़प हुई। शिवसेना नेता संजय राउत ने फिर केंद्र पर लगाया महाराष्ट्र सरकार गिराने की साजिश का आरोप। कहा दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी दी। एक तर तुम्ही सरेंडर व्हा गुडघे टेका नाहीतर सरकार आम्ही घालवू अशा प्रकारच्या धमक्या सतत दिल्या जात आहेत। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे संजय राउत ने शक्ति प्रदर्शन किया। शिवसेना भवन के बाहर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुटी। लखीमपुर हिंसा पर मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा 4 महीने बाद जेल से बाहर आया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने घर जाकर बेटे से मुलाकात की। किसान नेता राकेश टिकैत बोले धरना दें। मुलजिम बाहर आ जाए तो दुखद घटना है देश के लिए समाज के लिए। चारा घोटाले के एक और केस में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव दोषी करार। करीब 140 करोड़ के डोरंडा ट्रेजरी घोटाले में फैसला। 21 फरवरी को होगा सजा का ऐलान। राजस्थान के जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई झड़प। रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है बीजेपी। देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले में विदेश नहीं भाग सकेंगे आरोपी। सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया। सीबीआई के मुताबिक पूरा घोटाला 2005 से 2012 के दौरान यूपीए के वक्त हुआ। यूपी के करहल में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल के काफिले पर हमला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा अखिलेश ने हार के डर से अपने पालतू गुंडों से हमला कराया। मेरे ऊपर तो लाठी डंडे और पत्थरों से हुआ है और पीछे एक फायर की आवाज आई जो संजय शर्मा को एम करके था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने पालतू गुंडों और अपराधियों और दंगाइयों के द्वारा प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी के जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं प्रत्याशी के साथ साथ उनके ऊपर हमला कर दिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।